मसूरी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए वो बार बार प्रदेश सरकार को निशाना बना रही है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी केंद्र की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता से विदेशों में जमा काला धन लाने, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डलवाने, नमामि गंगे के तहत मां गंगा की सफाई के लिए पैसा देने जैसे कई वादे चुनाव के दौरान किए थे, लेकिन अभी तक उनमें से एक भी पूरा नहीं किया है। पुलिस विभाग के जरिए सही एक्शन प्लान नहीं बनाने की वजह से जाम लग गया। वहीं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को पर्यटकों की समस्या से कुछ लेना देना ही नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने अधिकारियों से फोन पर बात करके जल्द से जल्द जाम खुलवाने के निर्देश दिए। में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं, इसलिए वो अनाप शनाप आरोप लगाने का काम करते हैं। कभी वो केदारनाथ की आपदा पर बात करते हैं, कभी वो स्टिंग ऑपरेशन की बात करते हैं, कभी जमीनों की बात करते हैं, और वो ये सब आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि केंद्र की उनकी सरकार की नाकामियों से वो लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने जिस ढंग से लोगों को काला धन वापसी का वायदा किया था, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे ये वायदा किया, नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा सफाई के पैसा देने की बात करी, आज तक 1 रुपए नहीं दिया, और वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू धर्म के झंडा बरदार बनते हैं, लेकिन अर्धकुंभ के लिए हरिद्वार में अब तक 1 रुपए नहीं दिया। तो इन सारी चीजों से ध्यान बटाने के लिए इस ढंग के आरोप लगा रहे हैं।